दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आदिल की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले कश्मीरी छात्र को बद्दी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आतंकियों के हमदर्द छात्र के खिलाफ धारा 153 बी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी बद्दी के अतुल शिक्षा कुंज स्थित निजी विश्वविद्यालय में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है। मामले के सामने आने के बाद निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी कश्मीरी छात्र पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है। उधर आईबी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आते हुए इस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहां उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को पुलवामा में फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए थे। इस फिदायीन हमले में मानव बम बना आतंकी आदिल अहमद भी मारा गया था। घटना की रात ही निजी विश्वविद्यालय के छात्र ने फेसबुक पेज पर आदिल की फोटो पोस्ट कर दी थी। जानकारी के मुताबिक हिमाचल पुलिस ने बद्दी के एक निजी विश्वविद्यालय से सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर कश्मीरी छात्र को गिरफ्तार किया है। कश्मीरी युवक तहसीन गुल ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आतंकी आदिल की फोटो के साथ फेसबुक पोस्ट पर कमेंट किया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने इस मामले को लेकर बरोटीवाला पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने छात्र को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तहसीन ने आतंकी आदिल की फोटो के साथ अल्लाह ताला आपकी शहादत कबूल करे आमीन लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड की थी। यही नहीं, तहसीन ने 5 जनवरी को आतंकी शकूर डार की मौत के बाद भी कमेंट लिखा था। तहसीन ने लिखा था कि रिप शकूर भाई, अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे, इन द हार्ट्स ऑफ ग्रीन वर्ड्स, मिसिंग यू भाई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आईबी की टीम ने भी इस मामले के हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। निजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बताया कि सोशल मीडिया में आतंकी के पक्ष में किए गए कमेंट को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आरोपी कश्मीरी छात्र को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी छात्र तहसीन गुल जम्मू कश्मीर के हरवान का रहने वाला है। हंगामा मचने के बाद तहसीन ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उसके स्क्रीनशॉट लेकर प्रबंधन को मुहैया करवा दिए, जिसके बाद निजी विश्वविद्यालय के डीन कर्नल एके चौहान ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी। आरोपी छात्र तहसीन गुल को रविवार दोपहर कसौली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 28 फरवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है। हाँ, मैं ये अपने सीनियर के बैच वाले ने ये बोला था कि इसने ऐसे पोस्ट चढ़ाया तो इसको बोला ये रिमूव करो, इसकी वजह से थोड़ी हालत ख़राब हो सकती है। अब हमने उसे कहा कि हम गए जल्दी से, उसको बोला ये रिमूव करो ये पोस्ट, इसकी वजह से हालत ख़राब हो सकती है, हमें इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है। तो फिर उसने डिलीट कर दिया वो पोस्ट। फिर अगले दिन इस पर इंक्वायरी बिठाया, कॉलेज वालों ने थोड़ा इस पर ये इंक्वायरी बिठाया, एक्शन लिया इसके खिलाफ और उसको फिर पुलिस ले गई। अब पुलिस को अपना काम करने दो, जो होगा वो सामने आएगा। और हमारे साथ तो इस चीज़ के बारे में कोई बातें होती नहीं थी और ना ही हम इसको सपोर्ट करते हैं। और अब हम वेट कर रहे हैं कि उसके खिलाफ क्या होगा या क्या हो सकता है। तो मीडिया में न्यूज़ में चढ़ाया गया है कि इसको इस अटैक के बारे में पहले से ही जानकारी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा झूठ है। इसको कोई नॉलेज नहीं थी ना हमें थी, और हमें तो इस और इसने तो ये पोस्ट तब चढ़ाए थे जब अटैक हो चुका था, ऐसा है नहीं कि इसको पहले से ही पता थी तो इसने पहले ही चढ़ा दिया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बीबीएन से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अंबाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है। यही नहीं, भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।